वेलकम इन मैथ यूनिवर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th के चैप्टर सर्कल में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कह रहा है कि प्रूफ करो कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल है, ठीक है, और एक डायमीटर दिया है, सेंटर ये है। तो डायमीटर क्या होता है? सेंटर शो कर जाता है। तो ये डायमीटर है ए और बी। ठीक है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द इंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। और इस डायमीटर के इंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया गया है। ये एक टेंजेंट है, सपोज इसे हम मान लेते हैं पी क्यू, पी क्यू। ठीक है, और इसे मान लेते हैं एक और टेंजेंट ड्रा किया गया है आर एस। ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं डायमीटर के इंड पॉइंट से। ठीक है, इंड पॉइंट कौन कौन सा है? ये है और ये है। खींचा गया टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यही प्रूफ करना है। तो पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन। तो यहाँ हम गिवन में लिख देंगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए ओ बी। ए ओ बी इज अ डायमीटर, टू टेंजेंट्स पी क्यू, पी क्यू एंड आर एस, आर एस आर ड्रॉन ऑफ द इंड्स ऑफ ए ओ बी। ए और पी से दो टेंजेंट ड्रा किया गया है। मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ पी क्यू पैरेलल आर एस, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ, एक चीज़ हम जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो ओ ए रेडियस है और पी क्यू टेंजेंट है, उसी तरह से आर एस टेंजेंट है और ओ बी क्या है? रेडियस है। तो ओ बी परपेंडिकुलर होगा आर एस के, ओ ए परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के। यहाँ लिखेंगे सिंस, सिंस टेंजेंट्स, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर, देयरफॉर ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, पी क्यू एंड एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू, ओ बी परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, और जब परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ ए पी, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ओ ए पी, ओ ए पी ये एंगल इज इक्वल टू, ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ओ बी एस परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होगा। ओ पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल ओ ए पी, ओ ए पी और एंगल ओ बी एस, ओ बी एस यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। और हम एक थ्योरम जानते हैं, क्लास 9th में हम एक थ्योरम पढ़े थे, इफ़ अ ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट्स टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल, देन टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो दोनों लाइन जो है पैरेलल होते हैं, यानी पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के। तो यहाँ पर दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल इक्वल है, यानी ओ ए पी और ओ बी एस ये क्या है? इक्वल है, इसलिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो। तो पहले हम लिख देंगे इफ़ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, ठीक है, इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल और पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है, इज इक्वल, देन टू लाइन्स आर पैरेलल।
इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस पी क्यू पैरेलल आर एस। मुझे इस थ्योरम में यही प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द इंड्स ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर के इंड पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे प्रूफ कर दिया, पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।